हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के पांच इंग्लिश शब्द हैं राधा, वेट, लेमेंट, पेंट और साइन। इन पांच इंग्लिश शब्दों के एग्जांपल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द है राधा। राधा शब्द को हम अपनी पसंद बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब हमें अपनी पसंद बतानी हो तो वहाँ पर हम राधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई वुड राधर हेल्प यू देन हेल्पिंग हिम, यानी मैं उसकी मदद करने की बजाय आपकी मदद करना चाहूँगा। तो यहाँ हम अपनी पसंद बता रहे हैं कि हम किसकी मदद करना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही वुड राधर वॉन्ट टू गो होम देन सिट हियर, मतलब वह यहाँ बैठने की बजाय घर जाना चाहता है। तीसरा एग्जाम्पल, आई वुड राधर ड्रिंक वाटर देन टी, यानी मैं चाय की बजाय पानी पीना चाहूँगा। चौथा एग्जाम्पल, आई वुड राधर स्टे एट होम देन गो फिशिंग, मतलब मैं मछली पकड़ने जाने के बजाय घर पर रहना चाहता हूँ। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो, आई वुड राधर वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक देन सी द मूवी, यानी मैं फिल्म देखने की बजाय टहलने जाना चाहूँगा। फ्रेंड्स, राधा शब्द का दूसरा मतलब होता है कुछ ज्यादा, या कह सकते हैं एक निश्चित सीमा से ऊपर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कुछ ज्यादा या एक निश्चित सीमा से ऊपर, तो वहां पर भी राधा शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही इज बिहेविंग राधा स्ट्रेंजली, यानी वह कुछ ज्यादा अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर एक निश्चित सीमा से ऊपर उसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज राधा फैट, मतलब वह कुछ ज्यादा मोटा है। फ्रेंड्स, राधा शब्द का तीसरा मतलब होता है बल्कि। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बल्कि, तो वहां पर भी राधा शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही डिडंट शो लेजीनेस, रादर इट वाज द सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्टेड हिम, यानी उसने आलस्य नहीं दिखाया बल्कि वह परिस्थितियां थी जिसने उसे प्रभावित किया। दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड, रादर इट इज द पुअर मैनेजमेंट दैट कीप्स पीपल हंग्री, मतलब खाने की कोई कमी नहीं है बल्कि यह खराब प्रबंधन है जो लोगों को भूखा रखता है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द है वेट। वेट का हिंदी में मतलब होता है इंतजार करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इंतजार करना, तो वहाँ पर आप वेट शब्द यूज कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई वॉज टोल्ड टू वेट हियर, यानी मुझे यहाँ इंतजार करने के लिए कहा गया था। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल कुक फूड इफ यू वेट, मतलब अगर आप इंतजार करेंगे तो मैं खाना बनाऊंगा। तीसरा एग्जाम्पल, ही डिड नॉट लाइक टू वेट फॉर एनी वन, यानी उसे किसी का इंतजार करना पसंद नहीं था। चौथा एग्जाम्पल, वेट अ मोमेंट, मतलब एक पल इंतजार करे। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो, वेट अंटिल टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह तक इंतजार करे। फ्रेंड्स, वेट शब्द का दूसरा मतलब होता है प्रतीक्षा करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो प्रतीक्षा करना, तो वहां पर भी वेट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही डिड नॉट वेट फॉर अ रिप्लाई, यानी उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज सिट हियर एंड वेट, मतलब कृपया यहां बैठे और प्रतीक्षा करें। फ्रेंड्स, वेट शब्द का तीसरा मतलब होता है रुकना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो रुकना, तो वहां पर वेट शब्द लगता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। वुड यू वेट फॉर अ मिनट, यानी क्या आप एक मिनट रुकेंगे। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द है लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है विलाप। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो विलाप, तो आप लैमेंट शब्द यूज कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, डोंट लैमेंट ओवर हिज डेथ, यानी उसकी मृत्यु पर विलाप मत करो। दूसरा एग्जांपल, योर लैमेंटिंग वोंट मेक थिंग्स राइट, मतलब आपका विलाप चीजों को सही नहीं करेगा। तीसरा एग्जांपल, शी लैमेंटेड द होल नाइट थिंकिंग अबाउट हाउ इट हैपेंड, यानी उसने पूरी रात यह सोचते हुए विलाप किया कि यह कैसे हुआ। चौथा एग्जाम्पल, वाई डू यू कीप लैमेंटिंग ओवर दैट इंसिडेंट, मतलब उस घटना पर आप विलाप क्यों करते रहते हैं। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो, ही केप्ट लैमेंटिंग थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट, यानी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर विलाप करता रहा। फ्रेंड्स, लैमेंट शब्द का दूसरा मतलब होता है शोक मनाना।
तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो शोक मनाना तो वहाँ पर भी लेमन शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही वॉज लेमेंटिंग ओवर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, यानी वह अपने दोस्त की मौत का शोक मना रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, आई लेमेंट द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी इन सम पीपल, मतलब मैं कुछ लोगों में मानवता के नाश हो जाने का शोक मनाता हूँ। फ्रेंड्स, लेमेंट शब्द का तीसरा मतलब होता है अफसोस जताना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अफसोस जताना तो वहां पर भी लेमेंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई लेमेंटेड ऑफ द लैक ऑफ शॉप्स, यानी मैंने दुकानों की कमी पर अफसोस जताया। दूसरा एग्जाम्पल, ही लेमेंटेड द लैक ऑफ फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल, मतलब उन्होंने अस्पताल में असुविधाओं की कमी पर अफसोस जताया। फ्रेंड्स, लेमेंट शब्द का चौथा मतलब होता है शिकायत। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो शिकायत तो वहां पर भी लेमेंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, देयर वर कांस्टेंट लेमेंट्स अबाउट हिज वे ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, यानी उनके प्रशासन के तरीके के बारे में लगातार शिकायतें थी। दूसरा एग्जाम्पल, देयर वर कांस्टेंट लेमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज अबाउट द बॉसेस बिहेवियर, मतलब बॉस के व्यवहार के बारे में कर्मचारियों से लगातार शिकायतें थी। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है पेंट। पेंट का हिंदी में मतलब होता है रंगना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो रंगना तो आप पेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, टॉम इज पेंटिंग द वॉल, यानी टॉम दीवार को रंग रहा है या टॉम दीवार को पेंट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, हु पेंटेड इट, मतलब किसने इसे पेंट किया। तीसरा एग्जाम्पल, आई हैव टू पेंट इट, यानी मुझे इसे पेंट करना होगा। चौथा एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक टू पेंट, मतलब मुझे पेंट करना पसंद नहीं है। और उसका लास्ट एग्जांपल दो, दिस गेट नीड्स पेंटिंग, यानी इस गेट को पेंट करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, पेंट शब्द का दूसरा मतलब होता है रंग। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो रंग तो वहां पर आप पेंट शब्द यूज कर सकते हो। एग्जांपल्स के तौर पे, विच कंपनीज पेंट आर यू यूजिंग, यानी आप किस कंपनी के पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, यूज एक्रेलिक पेंट, मतलब एक्रेलिक पेंट का उपयोग करें। फ्रेंड्स, पेंट शब्द का तीसरा मतलब होता है चित्रित। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चित्रित तो वहां पर भी पेंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई पेंटेड अ वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू अ टेबल लैम्प, यानी मैंने टेबल लैम्प के बगल में बैठी एक महिला को चित्रित किया। दूसरा एग्जाम्पल, I painted the natural scenery, मतलब मैंने प्राकृतिक दृश्य को चित्रित किया। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वह साइन। साइन का हिंदी में मतलब होता है हस्ताक्षर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो हस्ताक्षर तो वहां पर आप साइन शब्द को यूज कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, साइन हियर, यानी यहाँ पर हस्ताक्षर करें। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल साइन इट, मतलब मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा। तीसरा एग्जाम्पल, वेयर डू आई साइन, यानी मुझे कहाँ हस्ताक्षर करने हैं। चौथा एग्जाम्पल, आई साइंड द डॉक्यूमेंट, मतलब मैंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो, कुड यू साइन हियर, यानी क्या आप यहाँ हस्ताक्षर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साइन शब्द का दूसरा मतलब होता है संकेत। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो संकेत तो वहां पर भी साइन शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, दिस इज द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी यह समृद्धि का संकेत है। दूसरा एग्जाम्पल, बीइंग अ लिटिल फैट इज द साइन ऑफ बीइंग रिच, मतलब थोड़ा मोटा होना अमीर होने का संकेत है। फ्रेंड्स, साइन शब्द का तीसरा मतलब होता है सांकेतिक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सांकेतिक तो वहां पर आप साइन शब्द यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई डोंट अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज, यानी मैं सांकेतिक भाषा नहीं समझता। दूसरा एग्जाम्पल, कुड यू अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज, मतलब क्या आप सांकेतिक भाषा को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, साइन शब्द का चौथा मतलब होता है इशारा करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इशारा करना तो वहां पर भी साइन शब्द लगता है। एग्जांपल्स के तौर पे, शी साइंड टू हर हस्बैंड टू लीव द रूम, यानी
उसने अपने पति को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। दूसरा एग्जाम्पल, द मैनेजर साइंड टू द क्लर्क टू ब्रिंग टी फॉर द गेस्ट, मतलब मेहमान के लिए चाय लाने के लिए मैनेजर ने क्लर्क को इशारा किया। फ्रेंड्स, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो पांच शब्द हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पर दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शुड आई डैश फॉर हर टू कम बैक, यानी क्या मुझे उसके वापस आने का डैश करना चाहिए, तो यह शब्द लगेगा। वेट, शुड आई वेट फॉर हर टू कम बैक, क्या मुझे उसके वापस आने का इंतजार करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ही केप्ट डैश ओवर द हार्श वर्ड्स ही स्पोक, मतलब वह अपने द्वारा कही गई कठोर बातों पर डैश करता रहा, तो यह शब्द लगेगा। लैमेंटिंग, ही केप्ट लैमेंटिंग ओवर द हार्श वर्ड्स ही स्पोक, वह अपने द्वारा कही गई कठोर बातों पर विलाप करता रहा। तीसरा क्वेश्चन, टॉम इज डैश हिज रूम, यानी टॉम अपने कमरे को डैश कर रहा है, तो यह शब्द लगेगा। पेंटिंग, टॉम इज पेंटिंग हिज रूम, टॉम अपने कमरे को पेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, आई वुड डैश स्टे एट होम रादर देन गो शॉपिंग, मतलब मैं खरीदारी करने के बजाय घर पर रहना डैश, तो यह शब्द लगेगा। रादर, आई वुड रादर स्टे एट होम रादर देन गो शॉपिंग, मैं खरीदारी करने के बजाय घर पर रहना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन, टॉम डैश द चेक, यानी टॉम ने चेक पर डैश किए, तो यह शब्द लगेगा। साइंड, टॉम साइंड द चेक, टॉम ने चेक पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, आई हैड टू डैश फॉर हिम एज ही वॉज नॉट रेडी, मतलब मुझे उसके लिए डैश करना पड़ा क्योंकि वह तैयार नहीं था, यह शब्द लगेगा। वेट, आई हैड टू वेट फॉर हिम एज ही वॉज नॉट रेडी, मुझे उसके लिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि वह तैयार नहीं था। अगला क्वेश्चन, ही केप्ट डैश ओवर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, यानी वह अपने मित्र के मृत्यु पर डैश करता रहा, तो यह शब्द लगेगा। लैमेंटिंग, ही केप्ट लैमेंटिंग ओवर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के मृत्यु पर विलाप करता रहा। अगला क्वेश्चन, आई वॉज डैश द गेट, मतलब मैं गेट को डैश कर रहा था, तो यह शब्द लगेगा। पेंटिंग, आई वॉज पेंटिंग द गेट, मैं गेट को पेंट कर रहा था। अगला क्वेश्चन, आई रेड द डॉक्यूमेंट बिफोर डैश इट, यानी मैंने डैश करने से पहले दस्तावेज पढ़ा, तो यह शब्द लगेगा। साइनिंग, आई रेड द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग इट, मैंने हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेज पढ़ा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई वुड डैश वॉन्ट टू सिट हियर देन गो आउटसाइड इन द हीट, मतलब मैं गर्मी में बाहर जाने की बजाय यहाँ बैठना डैश हूँ, यह शब्द लगेगा। रादर, आई वुड रादर वॉन्ट टू सिट हियर देन गो आउटसाइड इन द हीट, मैं गर्मी में बाहर जाने की बजाय यहाँ बैठना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर के नोट्स को परचेज कर सकते हो और उसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने पांच इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये पांच वर्ड्स थे राधा, वेट, लैमेंट, पेंट और साइन। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मत मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियोज़ के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।